गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के ग्राम चितवा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामवासियों को गौशाला निर्माण सहित कई विकास कार्यों की सौगात दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विकास के कामों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ग्राम चितवा में नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से मुलाकात की और गौशाला निर्माण, सीसी रोड, नाली निर्माण कार्य, चारा गृह निर्माण सहित कई विकास कार्यों की सौगात दी, जिस पर ग्रामवासियों ने नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद किया। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पुलिस अधिकारी और आरक्षकों के लिए आवास गृह का लोकार्पण किया। यह आवास गृह 10 करोड़ 42 लाख की लागत से बनेंगे। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।